नवरात्रि का टाइम चल रहा है। आज मैंने इस अवसर पर तैयार की है व्रत स्पेशल चटपटी थाली, जिसमें मैंने सिंगाड़े और कूटू की पूड़ी बनाई है। आलू की सब्जी ट्विस्ट करके कैसे बनाई है जरूर वीडियो को पूरा देखें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। बाहर से तो इस टाइम हम कुछ मंगा नहीं सकते, मैंने इसलिए डिसाइड किया कुछ चटपटा ऐसा बनाएंगे जो व्रत में भी हम खा पाएंगे, खाने में है बहुत मजेदार और बनाने में है बहुत आसान। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं माला यादव आपके अपने चैनल मसाला बाय माला में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, आधा किलो आलू ले लेंगे बॉईल करके, और इनको करेंगे छोटे छोटे पीसेस में कट, छोटा भी नहीं मीडियम पीसेस। तो आलू की क्वांटिटी अपने फैमिली के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। मेरा भी व्रत चल रहा है दोस्तों, तो एकदम मीठा मीठा खा के मन वैसा हो गया, तो मैंने सोचा कुछ चटपटी चीज तैयार की जाए। दोस्तों कहाँ से वीडियो देख रहे हैं आप, प्लीज कमेंट नहीं करते हैं, स्ट्रीट का नाम भी मेंशन कीजिए, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आलू कट कर लिए। अब मैंने इसके लिए मूंगफली ले लिया, मूंगफली मैंने लगभग 1/4 कप मैंने मूंगफली ली है, और इसको मैं हल्का सा रोस्ट कर लूंगी। ये देखिए 1/4 कप मूंगफली है, हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। आधा कप तक भी मूंगफली आप इसके अंदर ले सकते हैं, जितना मूंगफली का फ्लेवर आपको अच्छा लगता है। मूंगफली भुन गई है हमारी, अब क्या करेंगे दोस्तों, इसका छिलका उतार लेंगे। तो मूंगफली जब हल्की ठंडी हो जाए, ठंडे होने पर छिलका उतारिए, आराम से उतर जाता है। मान लीजिए किसी किसी का छिलका नहीं उतरता, कोई बात नहीं है। चलिए आटा ले लेंगे, तैयारी कर लेंगे। व्रत में खाया जाने वाला ये हमारा सिंगाड़े का आटा, मैं दो आटा मैंने मिक्स किया है, 1 कप मैंने सिंगाड़े का आटा लिया, 1 कप कुटू का। इस दोनों का फ्लेवर अलग अलग रहता है, बहुत यमी बनता है मिलाकर। और सिंगाड़ा का जो तासीर है वो ठंडी होती है, कुटू की हल्की सी गर्म होती है, वैसे कोई वैसी बात नहीं है। मैंने इस कप से आटा लिया है, तो इसी कप से हम पानी लेंगे, मेजरमेंट यही रहेगा, जिस कटोरी से लेंगे आप उसी कटोरी से सारा काम होगा। तो इस कप से मैंने 2 कप आटा लिया है, तो 2 कप थोड़ा सा ऊपर पानी लगेगा तो गूंदने में हम इस्तेमाल कर लेंगे। तो यहाँ 2 कप मैंने पानी डाला, टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा सॉल्ट डाल दिया, और डाल देंगे दोस्तों थोड़ा सा घी, 1 बड़ा चम्मच मैंने घी डाला है, 1 से 2 बड़े चम्मच आप घी डाल सकते हैं, और गूंदने के टाइम भी थोड़ा सा घी हम अप्लाई करेंगे। तो पानी पूरा उबल गया, इसी कंडीशन में हम डाल देंगे आटे को, पानी उबलना बहुत जरूरी है दोस्तों। गैस को बिल्कुल स्लो कर देंगे इस कंडीशन में, और धीरे धीरे चलाते हुए पूरे आटे को एक सार कर लेंगे, मतलब कंबाइन कर लेंगे, बाइंडिंग हो जाएगा आटे के अंदर। दोस्तों ये ग्लूटेन फ्री आटा होता है, व्रत में खाया जाने वाला होता है, ये हमारे पाचन को दुरुस्त रखता है, पेट भी काफी देर तक भरा रखता है। तो ये काफी हमारे शुगर हो गया, हमारा बीपी हो गया, काफी इसको मेंटेन रखता है। तो हमारा आटा बन गया, गैस ऑफ करके हमने आटे को इसमें हमने निकाल दिया प्लेट के अंदर। अब थोड़ा सा इसको ठंडा कर लेंगे, बिल्कुल ठंडा नहीं करेंगे, मीडियम ठंडा, जिससे हमारा हाथ अच्छे से गूंद सके इसको। तो हल्का सा ठंडा हो गया मेरा आटा, हल्के से अभी भी भाप निकल रही है, लेकिन हल्के से गर्म में इसको गूंदना है, बस हाथ नहीं जलना चाहिए ये ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से मैं आटा गूंद रही हूँ, देखिए इसके अंदर बिल्कुल ग्लूटेन नहीं होता, इसको ग्लूटेन इसके अंदर हल्का सा एक्टिव करने के लिए, मतलब आटे को कंबाइन करने के लिए थोड़ा सा गूंदना जरूरी है, जिससे कि आटा हमारा सॉफ्ट हो जाएगा और पूड़ियाँ हमारी बहुत अच्छी बनेंगी। इसकी आप पूरी नहीं खाना चाहते तो रोटी भी आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे हमारी गेहूं के आटे की रोटी बनती है वैसी ये बनती है, लेकिन इसको थोड़ा सा गूंदना पड़ता है, तो गूंदना भी मुश्किल नहीं होता है, हार्ड नहीं होता है। ये देखिए हमारे नॉर्मल आटे जैसे ये आटा बन गया, ये देख रहे हैं क्या फर्स्ट क्लास आटा बना है। दोस्तों ये टेक्निक आप जरूर इस्तेमाल कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर कीजिए, उनकी भी उनके लिए भी अच्छा हो जाएगा। अब सबसे बड़ी बात क्या है, गीला कपड़ा रख करके हमने इसको रखना है इसके अंदर। ये देखिए ऊपर से घी लगा दिया आटे के अंदर, अब मैंने गीला कपड़ा, गीला रुमाल ले लीजिए, कोई भी कॉटन की चुन्नी जो भी है, जैसे भी है उसमें आप इसको कंबाइन करके और अंदर बांध के इसको 10 मिनट रख दीजिए। यहाँ मैंने कड़ी पत्ता ले लिया, कुछ चीजें ले लिया डालने के लिए, आलू को छौंकने की तैयारी है। 4 से 5 बड़े चम्मच सरसों का तेल ले लिया, 1 बड़ा चम्मच मैंने साबुत जीरा ले लिया है। तड़का तैयार हो रहा है हमारा, लो मीडियम मेरा गैस चल रहा है, हाई टू लो चल रहा है। अब कुछ तड़के की चीजें डालेंगे दोस्तों इसके अंदर, 3 से 4 हरी मिर्च कटी हुई डाल दी, क्योंकि मैं चटपटा बना रही हूँ तो मैं थोड़ी मिर्ची ज्यादा इस्तेमाल कर रही हूँ। 1 बड़ा चम्मच इसमें मैंने अदरक डाला है, देख सकते हैं आप, बारीक कटा हुआ अदरक है, बारीक कटी हुई हमारी मिर्चें थी। ये है 10 से 12 पत्ते कड़ी पत्ते, बहुत बहुत ही लाजवाब स्वाद आएगा, आप जरूर इस्तेमाल कीजिए इसको। अब इसी में हमने भून लिया थोड़ा सा 2 से 3 मिनट, और हमने अब अपना बॉयल आलू जो कट किया था पीसेस में वो ऐड कर दिया। ये देखिए दोस्तों चला लेंगे थोड़ा सा, थोड़ा सा हल्दी डाल देंगे, खाते हो तो डालिए, नहीं खाते हो तो स्किप कर सकते हैं, हम खाते हैं हल्दी। तो मैंने आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिया, फ्रेश मेरा ये
आधा छोटा चम्मच काली मिर्च है, दरदरी मैंने कूट ली है इसको, बहुत ही अच्छे इसका फ्लेवर भी आ रहा है और खुशबू भी, दोनों ही बहुत अच्छा रहता है इसका। टेस्ट के अकॉर्डिंग वर्त वाला नमक, वर्त वाला नमक मैंने वहाँ भी आटे के टाइम में भी यूज़ किया था, तो ये वर्त वाला नमक मैंने इस्तेमाल कर लिया टेस्ट के अकॉर्डिंग। और बड़ी लंबी लंबी मिर्चें काट के मैंने इसके अंदर डाली, क्योंकि मैं चटपटा बना रही हूँ, थोड़ी मिर्चें ज़्यादा इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो कम कर सकते हैं। जो हमारी मूंगफली भुनी हुई थी वो मैंने डाल दी, ये देखिए, चाहे तो मूंगफली को थोड़ा कूट के भी आप डाल सकते हैं, जैसे मर्जी आपकी, चला लेंगे, ढक देंगे जिससे सारी चीज़ों का फ्लेवर आपस में मिक्स हो जाए। और फिर से इसी तरह से 3 से 4 बार ऐसे आलू को हम अपने आँच पे 5 से 7 मिनट के लिए भूनेंगे। लास्ट में हमारे आलू हो गए सेट एकदम मसालों के संग, और अब इसमें हम लास्ट में नींबू डाल देंगे। 2 से 3 बड़े चम्मच नींबू का आप डाल सकते हैं, थोड़ा सा धनिया, धनिया काफ़ी फ्लेवरफुल होता है, डाइजेशन के लिए काफ़ी अच्छा होता है। चला लेंगे सारी चीज़ें, धीमी धीमी खुशबू आ रही है, हमारे वक्त के ट्विस्ट आलू और चटपटे आलू रेडी हैं। ठीक है दोस्तों, इसको परांठे के संग भी इंजॉय कर सकते हैं, पूरी से तो हम खा ही सकते हैं। तो दोस्तों थोड़ा सा फिर से चला लेंगे जिससे कि नींबू वगैरह सारी चीज़ें सबके संग मर्ज हो जाए। बस ये रेडी है, इसी कंडीशन में गैस ऑफ कर देंगे और उसको हम ढक के छोड़ देंगे, जैसे फ्लेवर अपने अंदर पूरे कढ़ाई के अंदर सबके सामान के अंदर अच्छे से इनहेंस हो जाएगा। गैस ऑन करके कढ़ाई रख ली, उसमें मैंने तेल रख दिया पूड़ियों के लिए गर्म होने के लिए। चलिए पूड़ियों का हम इधर लोई बना लेंगे, देखिए कितने आराम से लोइयाँ बन रही हैं, आप देख सकते हैं, छोटा बड़ा पूड़ी अपने हिसाब से कीजिए। इसको एकदम सुंदर सा शेप देने के लिए मैं कटोरी इस्तेमाल कर रही हूँ, आप एज इट इज भी बिल्कुल बना सकते हैं, थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है आप देख रहे हैं, तो मैंने मीडियम कटोरी ली है जिससे हमारा इक्वल साइज आए पूड़ी का। दोस्तों नवरात्रों के लिए थाली तैयार हो रही है, पूड़ी के साथ चटपटी आलू की सब्जी जो है खाने में बहुत मज़ेदार, व्रत स्पेशल है। आप ज़रूर कमेंट कीजिए अगर मेरी रेसिपी पसंद आती है तो। मैंने गैस हाई रखी हुई थी, तेल अच्छा गर्म करके लो मीडियम कर लिया, इसी पर मैं देखिए मेरी फूलती फूलती पूड़ियाँ देख रहे हैं, कुटू की पूड़ियाँ क्या मज़ेदार दिख रही हैं फूलते हुए। तो दोस्तों इसको मैंने प्लेट आउट कर लिया, दोनों तरफ से गोल्डन हो गई पूड़ियाँ मेरी, देख वो तो जब दोनों तरफ से फूल जाएंगी तो पूड़ियाँ हमारी बन जाती हैं। इसी तरह से सारी पूड़ियाँ मैंने रेडी कर ली, अब चलिए सर्व कर लेते हैं। दही ले लिया दोस्तों, दही से हमारे पेट में ठंडक रहती है और प्रोटीन भी है। मैंने सब्जी डाल ली और मैंने रख ली पूड़ी, इसकी जगह परांठा चावल कुछ भी रख सकते हैं। ये रेडी मेरी व्रत वाली पूरी चटपटी थाली तैयार, सभी को नवरात्रों की बहुत बहुत बधाई। दोस्तों थोड़ी भी मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कीजिए, जाते जाते लाइक कीजिए, ना लाइक का पैसा लगता है दोस्तों, ना सब्सक्राइब का लगता है। हमें मोटिवेशन के लिए आप करेंगे तो दोस्तों हमें दिल से खुशी होगी, और आगे भी हम बढ़ चढ़ के अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तो पूरा वीडियो देखने के लिए सभी का दिल से आभार, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।